हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि संजीव पासबुक से है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, वी हैवंट सीन द सन 8 और 9 डेज। हमने सूर्य को 8-9 दिन से नहीं देखा। यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप 4 और सिंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 8 और 9 डेज टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो 8-9 दिन से सूर्य को नहीं दिखा, तो से 4, ठीक है। ऑफ द दीज स्टूडेंट इज 9, बहुत सारे स्टूडेंट है जिसमें से जीनियस है कौन है, प्रत्येक ईच एनिमी शत्रु का कोई मतलब नहीं, एनी का यहाँ कोई नहीं का कोई सेंस नहीं और मैनी का कोई सेंस नहीं, है ना। इन स्टूडेंटों में से प्रत्येक ही जीनियस है, सभी मतलब इंटेलिजेंट है, तो प्रत्येक का सेंस ईच दे रहा है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ये कंपलसरी है। जब चीज़ें कंपलसरी होती तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं आगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। तो यहाँ से देखिए, बीस्ट, लिस्ट, रीच, सब में ई की आवाज़ आ रही है और यहाँ रेडी एक ही मात्रा आ रही है ना, तो यही डिफरेंट है, अलग है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है ये जो अपन किताबें कॉपियों का सामान होता है ना, पढ़ने लिखने से संबंधित वो है लेखन सामग्री। तो इरेजर मिटाने में काम आता है, पेंसिल, नोटबुक, बट वाटर बॉटल इसमें काम नहीं आती, तो ये डिफरेंट है। विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, क्या तुम हमारी एक पिक्चर लोगे, तो पिक्चर एक का सेंस दे रहा है, तो पिक्चर हमारी हम सबकी एक पिक्चर, तो प पतंग वाला आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ए साउंड, ए आर्टिकल, क्या लिखेंगे आप, ए आर्टिकल। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ ना, और प्रोडक्टिव का मतलब भी उपजाऊ है, उत्पादन करना या उत्पादित करना। इसके साथ में आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं 8 पर, कंप्लीट द पैसे गिवन पैसेज बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेकेट। सिटिंग, बैठना, फोल्डेड मतलब हाथों को ऐसे इकट्ठा करके बैठना, और सिल्वर, चांदी, और गार्डन, बगीचा, आपको पता है। द ओल्ड लेडी वॉज के साथ सेटिंग बैठेगा, इन अ व्हील चेयर पर बैठी होगी, हर हैंड्स इन हर लैप, कैसे होंगे उसके हाथ, फोल्डेड होंगे, क्या होंगे, फोल्डेड। एंड शी हैड, और उसके बाल वाइट हेयर किसके सेंस देगा, सिल्वर कलर का, तो यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा। हर पिंड इन टू अ विस्पी बन, उसके जूड़े में पिन लगे हुए थे, सफ़ेद बालों का जूड़ा बना हुआ था, उसके चांदी जैसे बाल थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट, किसकी तरफ देखेगी वो, गार्डन की तरफ ही देखेगी, क्या, गार्डन। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट हुआ। अगर आपको आंसर देखने हैं तो आप आंसर देख सकते हैं, मैंने बोला है, आप रुक कर इन्हें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा 12th आ चुका है, 12th में आप देखिए प्लूरल फॉर्म लिखना है, टीथ, टूथ का हमें टीथ करना है इस तरह से, और हुप का हुप्स, हुज, एफ को हटा के वी ई एस करना है, इस तरह से हमारी अभी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वर्ड मिसिंग लेटर्स हैं इन द फॉलोइंग वर्ड्स में, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा आपका, ओ, डब्ल्यू ओ आर एल डी, वर्ल्ड, क्रिकेट, CRICKET, तो यहाँ पर आई और ई का साउंड, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन आ रहा है, देर आर लाइट ऑन द रोड, रोड यूज़र कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, देर आर लाइट ऑन द रोड, रोड्स पर लाइट्स हैं, क्यों है, रोड यूज़र जो रोड को यूज़ करने वाले हैं कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, वो ट्रैफिक सिग्नल को देख सके। तो यहाँ है कि जो लाइट्स हैं रोड्स पर वो इसलिए लगी हुई है ताकि लोग ट्रैफिक सिग्नल को देख सके, तो ताकि का सेंस उदेट देता है। यहाँ से देखिए आप, अरेंज द वर्ड्स, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई, फिर आई के बाद में वर्ब हमारी वेस्ट है, तो वर्ब से पहले हमारा एडवर्ब बैठता है, तो आई नेवर वेस्ट, अब बचा क्या है, माई, और फिर टाइम,
माई टाइम, जो कि एक ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसके बाद में आपको देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मस्ट बी अ स्टूडेंट। तो डिसिप्लिन कौन, डिसिप्लिन में कौन रहेगा, स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट। मॉडल वर्ब पहले मस्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मस्ट, फिर मस्ट के बाद में बी आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस फॉर्म है, फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, और आप फिर बाद में फुल स्टॉप। इस तरह से हो गया स्टूडेंट। हमेशा आप वर्ब से क्वेश्चन करके पूछिए, वर्ब से जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको सबसे पता लग जाएगा। ये पैसिव वॉइस फॉर्म है तो यहाँ पर स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन, स्टूडेंट को अनुशासित होना चाहिए। आगे देखिए, हम आगे पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, द पेडेस्ट्रियन जो हमारे हैं पैदल यात्री हैं टू क्रॉस फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना चाहिए पेडेस्ट्रियन को क्रॉस फर्स्ट के लिए, तो पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द फर्स्ट। यहाँ पर हम अलाउ द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस फर्स्ट, सबसे पहले आप अनुमति दें जो पैदल यात्री हैं उन्हें निकलने दें, मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पर अलाउ होगा। ऑलवेज डीपर एट नाइट, रात के समय आप पर आपको डीपर लाइट का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये भी इजीली आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम चल रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक्स दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। क्रॉनिकली मतलब अक्सर, हमेशा, है ना। तो ये कह रहा है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, वो हमेशा ही, है ना, अनहैप्पी, दुखी होते हैं। सेड आई नो देट, नो देट नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड। आई सेड, मैंने कहा यू नो, आई नो देट, मैं जानता हूँ, नॉट ट्रू माई सेल्फ, पर ये मेरे बारे में सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड, क्या आप अपने अंदर हंसते जब लोग आपसे कहते हैं कि डिसेबल पीपल्स जो होते हैं वो हमेशा ही दुखी होते हैं। अबाउट द 3 मिनट्स लेटर, और 3 मिनट के पश्चात ही रेस्पॉन्ड, मतलब उसने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ उसको ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे आंसर से रिलेटेड है। वेन पीपल पेट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे पेट्रोनाइज मतलब मुझे संरक्षण देते हैं, अम्यूजिंग मतलब मैं हास्यास्पद पाता हूँ, मुझे मतलब ऐसा मजाकियापन सा लगता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। इसके बाद में देखिए आप, हम आगे चल रहे हैं, अबाउट 3 मिनट लेटर ही रेस्पॉन्ड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पेट्रोनाइज मी, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग वैन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू योर वर्क, और क्या आप पाते हैं इस तरह से परेशान होना, वैन समवन लाइक मी, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, अनोइंग को, जो लोग पाते हैं आपके पास आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं आपको अपने वर्क में। द आंसर फ्लैश्ड, अचानक से वो जो उत्तर है तुरंत चमका, यस देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइलिंग एंड आई न्यू विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली, और मैं जान गया था बिना ही कुछ सेंटिमेंटल भाव हुए बिना ही और मूर्ख हुए बिना, दैट आई वॉज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सर्वोत्तम सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, जो पहली झलक थी वो शॉकिंग थी, बिकॉज ही इज़ लाइक स्टिल फोटोग्राफ, की वो शांत चित शांत फोटोग्राफ की तरह था, छाया चित्र की तरह था। ये भी हमारा एक आंसर का पार्ट होगा, इसलिए इसे ध्यान से रखें। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन, की जितनी भी पिक्चर उसकी तस्वीरें जो मैगजीन वगैरह में न्यूज़पेपर में छपी थी, हैव टर्न 3 डायमेंशन, वो 3 आयामी रूप में लग रही थी, उसके मतलब मन में आ रहा था ऐसा सब कुछ हमारे जो राइटर थे फिरदौस कांगा के मन में। वॉट डू अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक्स, अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो पीपल हैं डिसेबल पीपल हैं, आपको यहाँ क्वेश्चन से देखो, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का कितना पार्ट आपको लेना है, तो यहाँ से शुरू करना, अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, सीम टू थिंक्स, क्या सोचते हैं, देखो आप, थिंक देट, यहाँ से आपको आंसर लेना है, देट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, ठीक। फिर हाउ डज द राइटर फाइंड इट व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम, लेखक को कैसा लगता है जबकि लोग उसको संरक्षण देते, तो आया था ना अम्यूजिंग वर्ड आया था, मैंने आपको लगाया भी था, यहाँ देखिए ये रहा, तो
यहाँ से आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करना है. द राइटर फाइंड की जगह फाउंड, द राइटर फाउंड फाउंड इट अम्यूजिंग. ये रहा यहाँ पर द राइटर फाउंड, फाइंड की जगह फाउंड इट अम्यूजिंग व्हेन द पीपल पेट्रोनाइज हिम, ही मी की जगह हिम करना है. जब लोग उसे संरक्षण देते हैं तो उसे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है. फिर से देखो यहाँ पर, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द फाल्स और अगली. तो यहाँ पर देखिए फाल्स और अगली का, फाल्स का है हमारा ट्रू. ये रहा आपका, आपको पैसेज में से ही लेने, आपकी तरफ से कोई वर्ड नहीं लेना है, पैसेज का ही सब कुछ लिखना है आपको. ये रहा ट्रू आपका. और वहाँ पर हमारा था अगली, अगली का ब्यूटीफुल आया था. संसार के सर्वोत्तम ब्यूटीफुल व्यक्ति को देख रहा था हमारा राइटर. तो ये यहाँ पर हमारा आंसर ब्यूटीफुल आया है. ये रहा आपका ब्यूटीफुल वर्ड. इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाई वाज हिज फर्स्ट ग्लिम्स शॉकिंग. बताइए जो उसका पहली ग्लिम्स, पहली झलक थी वो शॉकिंग क्यों थी. तो अपन ने पढ़ा था ना कैसा लग रहा था स्टिल फोटोग्राफ वाला. तो ये रहा अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. एज इट इज आपका आंसर है. आगे चलते हैं. हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क. उसे कैसा लगता है जब लोग उसी के काम में. तो यहाँ पर ही फील्स, डज है ना तो फील्स, तो कैसा फील्स कर रहा है देखो. यहाँ से देखो आप, ये ही फाइंड अनोइंग व्हेन समवन ही लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क, है ना. तो आपको इसी तरह से यू को इस तरह से चेंज करके लिखना है कि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ जाए और वहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपने लाइन को लिखा है. तो व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम ही इन हिज वर्क ही फील्स अनोइंग्स. इसी वाले लाइन्स को आपको ढंग से जमा के लिखना है. ये वाली लाइन अनोइंग है ना, ही फाइंड इट अनोइंग. यहाँ पर ही फाइंड की जगह फाउंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक हिम, है ना, हिम कम्स एंड डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क. इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने काटे हैं इनको सही करके लिखना है. आंसर मैंने नीचे भी दे रखे हैं, आप टेंशन नहीं लें, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं नीचे लास्ट में पीडीएफ में. हाउ डज ही फील हुम वॉज द राइट वॉज द राइटर लुकिंग एट. राइटर किसकी तरफ देख रहा था. तो ब्यूटीफुल मैन की तरफ देख रहा था, संसार के वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल व्यक्ति को देख रहा था. तो ये डायरेक्ट आंसर लिखे आप, ही वॉज, आई की जगह ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. आई की जगह ही करना है, बाकी सेम डिक्ट आंसर प्रिंट करना है आपको. इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ खत्म हो चुका है. आगे सेकेंड पैराग्राफ पर हम चल रहे हैं. ही वॉज अफ्रेड देट इट माइट किक्ड एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. उसे डर लग रहा था कि इसको जोड़ी वाला चैप्टर है. इट माइट किक्ड की वो लात मार सकता था कौन फान, एंड ब्लीट मिमिया सकता था इट्स साइट देखकर, स्मेल ऑफ इट्स मदर उसकी माँ की गंध को पाकर उसे देखकर वो मिमिया सकता था, लात मार सकता था. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग्स, उसने स्कर्टेड किया मतलब किनारे किनारे चला, एंड क्लियरिंग क्या पर साफ जगह की तरह, पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. और उस झुरमुट जो था उस पर वो चला, उसको पार किया. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और ये बहुत मुश्किल था उसके लिए उस वजन के साथ चलना, क्योंकि फ़ान को गोदी में उठा रखा था ना. द फान लेग्स कोट इन हिज बशेस, है ना, द फान लेग्स कोट इन द बशेस. उसकी झाड़ी में फंस गई थी उसकी टांग, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वह उसे अपने फ्रीडम के साथ उठा भी नहीं पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, और उसने प्रयास किया उसके फेस को बचाने का फ्रॉम प्रिकलिंग विंड्स, कांटे
अंगूर की बेल के कांटे चुभने से। इट्स हेड बॉब्ड, उसका सिर लटक रहा था विद इस स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब कदम, जल्दी जल्दी चलने से जो बड़े बड़े डग भर रहा था ना जोड़ी उसको ले जाके, तो उसकी वजह से उस फैन का सिर हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड, उसका जो दिल था वो तेजी से धड़का विद द मार्वलस ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। आंसर है ये स्वीकृति में, है ना, उसकी शानदार स्वीकृति से उसका दिल जोर से धड़का। किसका? जोड़ी का। ही रीच्ड द ट्रेल, और वो पगडंडी पर पहुंचा। एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन, और जब तक कि वो कटान पर नहीं आ गया तब तक वो तेज चलता रहा विद द रोड होम, जो कि उसके घर के रोड के पास की तरफ था। ही स्टॉप टू रेस्ट, और वो आराम करने के लिए रुका। ये भी हमारे आंसर का पार्ट है। सेट द फैन डाउन, और सेट उसको नीचे रख दिया। इट्स डैंगलिंग लेग्स, डैंगलिंग लेग्स का मतलब लड़खड़ाती हुई टांगों पर। इट वेव्ड, वो झूला मतलब उसकी टांगें लड़खड़ाई। ऑन देम, उन पर। इट लुक्ड एट हिम, और उसने उस फैन ने उसकी तरफ देखा। एंड ब्लीटेड, और मिमियाने लगा। वाई वॉज ही अफ्रेड, ही का मतलब कौन है यहाँ पर? ही का मतलब है हमारा फैन, सॉरी जोड़ी है, जो जोड़ी को क्या किस बात का डर था, तो ही मतलब जोड़ी वॉज, तो आप ही से भी लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ही है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट, कौन, इट की जगह आपको फैन लिखना है, माइट किक्ड एंड ब्लीट एट द साइट ऑफ हिज मदर्स। इतना आंसर आपको लिखना है, इट की जगह आपको फैन ऐड करना है। फिर यहाँ से देखिए, वाई डिड ही शील्ड इट्स फेस, बताइए उसने उसके फेस का बचाव क्यों किया? तो यहाँ पर भी उसके फेस का बचाव, शील्ड इट्स फेस बिकॉज प्रिकलिंग वाइन्स वुड हर्ट इट, क्योंकि जो वाइन की जो प्रिकलिंग्स थी, कांटे थे, उसको हर्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर ये रहा। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, तो उसने प्रयास किया। ही शील्डेड इट्स फेस, है ना, आपको थोड़ा सा बना के लिखना है। बिकॉज प्रिकलिंग वाइन्स वुड हर्ट द फैन, कि वो उसको चोट पहुंचा सकती थी फैन को, इसलिए वो उसने उसके फेस का बचाव किया। वाई डिड ही स्टॉप, ही कौन है? जोड़ी है, तो जोड़ी क्यों रुका? टू रेस्ट, ये रहा जोड़ी। ही स्टॉप टू रेस्ट, आप एज इट इज लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू वेयर, वाई डिड हिज हर्ट थम्ड, मार्वलस एक्सेप्टेंस पड़ा था अभी, और देखिए यहाँ से आ जाइए आप। हिज हर्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, एक तो आंसर लिख दीजिए आप, चलेगा। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, कहाँ तक? इंटरसेक्शन रोड पड़ा था ना, ये रहा आंसर, देखिए। ही स्टॉप्ड एंड रेस्ट, ये रहा। ही केम टू द रोड इंटरसेक्शन विद द रोड होम, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से था? अप टू वेयर ही वॉक्ड फास्ट अप टू रोड ऑफ इंटरसेक्शन, आपको इस तरह से आंसर लिखना है, रोड होम। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ रहा है, द क्राई ऑफ फैन को हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? ब्लीट आया था ना, ही ब्लीट। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। योगा प्ले अ विटाल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, योगा अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट कीप्स अस, यह हमें रखता है फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी रखता है। इट प्रोवाइड अस पॉजिटिव एनर्जी, और यह हमें पॉजिटिव एटीट्यूड विचारधारा भी देता है। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक, यह हमें उत्साहित रखता है। एंड द अजाइल थ्रू आउट द पूरे टाइम पर रखता है। द डे टू डे अवर लाइफ हैज़ चेंज्ड अ ग्रेट डील, वर्तमान में हमारे जो जीवन दिनचर्या वो बिल्कुल बदल चुकी है। वी रिमेन बिजी द होल डे और लॉन्ग, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में। वी हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न स्टाइल, इसको आपको अंडरलाइन करना है आंसर के लिए। ये मॉडर्न स्टाइल के एक भाग बन चुके हैं टेंशन और स्ट्रेस। योगा रिलीव्स अस
फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, ये हमें मुक्ति प्रदान करता है टेंशन और तनाव से, है ना, परेशानी से तनाव मुक्त करता है। इट जनरेट से उत्पन्न करता है एनर्जी, ऊर्जा को, क्रिएटिविटी को एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम को भी। इट ऑल्सो हेल्प इन क्योरिंग फैटल डिजीज, और जो घातक बीमारियाँ होती हैं उससे भी हमारी बचाव करता है, लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स जैसी घातक बीमारियों से भी रक्षा करता है। वॉट रोल डस योगा प्ले, तो इसका आंसर हमने ऊपर देखा था, ये रहा। योगा प्ले अ वेरी अ विटाल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पे चलते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट हैं, तो ये रहा हमारा, ये रहा। स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, डिक टू आंसर है। आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पेसेज, अ फेटल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, तो कैंसर है, CANCER, कैंसर हमारा यहाँ पर है, ये रहा कैंसर आपका आंसर। इसके बाद में है द एबिलिटी टू मेक प्रोडक्ट न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन, इसका आंसर देखिए सी से। तो द एबिलिटी, तो क्रिएटिविटी, अभी हमने पढ़ा था क्रिएटिविटी, पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ये रहा आपका क्रिएटिविटी। इसके बाद में आगे चलते हम, विच आर फेटल डिजीज, तो उन बीमारी घातक बीमारियों के आपको नाम लिखने हैं, घातक बीमारी कैंसर, हेपेटाइटिस, लास्ट में लगाया था ना मैंने आपको, एड्स, तो ये रहा आपका आंसर। पीछे ये रहा, इट हेल्प्स इन फेटल डिजीज के नाम, कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, वॉट डज योगा जनरेट, क्या करता है योगा, क्या चीज़ को जनरेट करता है, तो हमने अभी यहाँ देखा था योगा, इट की जगह योगा लिखना, योगा जनरेट एनर्जीज, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बाद में आपको चलना है यहाँ पर, देखिए लास्ट टाइम रीड द पैसेज प्लूरल गिवन द एनर्जी, एनर्जी का प्लूरल है आपका, वाई कोटा की आई एस ऐड कर दीजिए, एनर्जीज, जी आई एस वाई को रिमूव करके एनर्जीज। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, आपको इस सेंटेंस इनको करेक्ट सिक्वेंस में जमाना है। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेट गया। आफ्टर सम टाइम दे सा अ बिग बियर कमिंग टू देम, कुछ समय बाद एक बियर आया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे, यही फर्स्ट है आपका। ये वाली लाइन आपकी फर्स्ट है, वंस अपॉन अ टाइम फर्स्ट, टू फ्रेंड्स थे, नंबर टू पे आए, दो दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, नंबर थ्री पे आफ्टर सम टाइम, नंबर थ्री पर दे सा बिग बियर कमिंग टू देम, अब क्या होगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स जो है वो नंबर रेन एंड क्लाइम अप द ट्री, जबकि दूसरा ये जो लास्ट द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेट गया है, फिर नंबर पे। आई होप मैंने आपके थर्ड पार्ट पूरे करा दिए, आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।